बसमिल्ला रहीम असलकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू आई एम योर साइंस टीचर वरदाना ख़ुर्शीद आई विल एक्सप्लेन यूनिट नंबर सिक्स एंड टॉपिक इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे बच्चों आज हम अपने लेसन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस का दूसरा या बकिया पोशन डिस्कस करेंगे बच्चों पहले लास्ट वीक क्या पढ़ा था रिव्यू कर लेते हैं बच्चों पिछले हफ़्ते हमने नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पढ़ा था इसके बाद सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को डिस्कस किया था बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मटेरियल्स कैन चेंज शेप बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए डिफ़रेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम मटेरियल्स के शेप को ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग, बैंडिंग और स्क्वैशिंग के ज़रिए चेंज कर सकते हैं ट्विस्टिंग का मतलब है मरोड़ना, स्ट्रेचिंग का मतलब है खींचना बैंडिंग का मतलब है मोड़ना और स्क्वैशिंग का मतलब है दबाना बच्चों इसी तरह हम मुख्तलि मटेरियल्स की स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं बच्चों हीटिंग मेल्टिंग कूलिंग और फ्रीजिंग के ज़रिए डिफरेंट मटेरियल्स की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं बच्चों मिसाल के तौर पर अगर हम वाटर को ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ यानी जमाते हैं तो वो आइस बन जाता है यानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों इसी तरह अगर हम आइस को पिघलाएंगे यानी मेल्ट करेंगे तो बच्चों इसी तरह वो वाटर बन जाता है बच्चों ये मिसाल है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने यानी आइस सॉलिड है और जब वो पिघलता है तो पानी बन जाता है और पानी यानी वाटर लिक्विड है बच्चों इसी तरह जब हम पानी को गरम करते हैं यानी हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को बॉईल करते हैं तो वो वेपर बन जाता है और वेपर गैस होता है बच्चों ये मिसाल है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की बच्चों रॉक से जो सॉलिड होते हैं ये ज़मीन की सरफेस पर पाए जाते हैं इसके अलावा ये अंडरग्राउंड भी मौजूद होते हैं कुछ रॉक्स ज़मीन के नीचे भी मौजूद होती हैं कुछ रॉक्स सख्त होते हैं जैसे कि ग्रेनाइट वगैरह और कुछ रॉक्स सॉफ्ट होते हैं जैसे चौक कोल वगैरह बच्चों कंकर सैंड और सॉइल मिलकर रॉक्स बनाते हैं रॉक्स बहुत यूज़फुल मटेरियल्स हैं रॉक्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले लार्ज रॉक्स को डायनामाइट की मदद से उड़ाया जाता है इसके बाद इन्हें हैमर यानि हथौड़ा और छेनी लगी हुई मशीन से काटा जाता है फिर रॉक से हासिल होने वाले मुख्तलिफ मटेरियल से चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे चॉक स्टोन रिंग और इस्टोन बेंच वगैरह बच्चों आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा अब मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज अपना बहुत ख्याल रखिएगा